नमस्कार, मुंबई महानगर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। आज बात करेंगे कि क्या शिंदे के हाथों से सत्ता की डोर सरक रही है। जी हां, महाराष्ट्र की सियासत में अजित पवार के बीजेपी गठबंधन में एंट्री के साथ ही राज्य में डबल इंजन की सरकार अब ट्रिपल इंजन में तब्दील हो गई है। अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत सिर्फ डिप्टी सीएम बनने के लिए नहीं की, बल्कि मुख्यमंत्री बनने का सपना भी पाल रखा है। ये इच्छा किसी और ने नहीं बल्कि वो खुद ही जाहिर कर चुके हैं। बीजेपी के साथ अजित पवार ने ऐसे ही हाथ नहीं मिलाया, बल्कि अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की रूपरेखा भी तय कर रखी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एकनाथ शिंदे के हाथों से क्या सत्ता की डोर सरकती नजर आ रही है। चलिए इस सवाल का जवाब जानने के लिए समझते हैं पूरा समीकरण। जी हां, अजित पवार ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद महाराष्ट्र की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इसके अलावा अजित पवार खेमे से एक दर्जन से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी किया जा रहा है। अब तक बीजेपी खेमे से इन बातों का खंडन भी नहीं किया गया है। इससे यह बात तो साफ है कि अजित पवार ने बीजेपी के साथ दोस्ती करने से पहले ही सारी बातें फिक्स कर ली हैं। दरअसल 90 विधानसभा सीटों के पीछे अजित खेमे का तर्क यह है कि एनसीपी के 53 विधायक हैं और 2 निर्दलीय समर्थक हैं। इस तरह से 55 विधायक होते हैं। 2019 में कांग्रेस ने एनसीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस के 45 विधायक जीते थे। कांग्रेस विधायकों की जीत में एनसीपी का वोट शामिल रहा। इस लिहाज से अजित पवार ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सार्वजनिक रूप से कही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शिंदे खेमे के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। जी हाँ, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा और 48 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी ने 164 और शिवसेना ने 126 सीटों पर चुनाव लड़ा था। शिवसेना के टिकट पर जीते 57 विधायकों में से 40 एकनाथ शिंदे के साथ और 17 उद्धव गुट के साथ हैं। शिवसेना के टिकट पर जीते 18 सांसदों में से भी 12 शिंदे के साथ हैं। अब अगर ऐसे में अजित पवार खेमा 2024 में 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगा तो शिंदे खेमे के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल एकनाथ शिंदे 2019 में शिवसेना के द्वारा लड़ी गई सभी 126 सीटों पर दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अगर शिंदे खेमे के दावे के मुताबिक उन्हें सीटें देगी तो फिर वो खुद कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये भी बड़ा सवाल है। ये तो तय है कि बीजेपी 164 से कम सीटों पर तो चुनाव किस्मत नहीं आजमाने वाली, क्योंकि उसे सत्ता की बागडोर अपने हाथ में जो लेनी है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के साथ आए हुए 40 विधायकों वाली सीटें ही बीजेपी उनके लिए छोड़ सकती है। मतलब साफ है कि अजित पवार की एंट्री और दावों ने शिंदे खेमे के लिए भविष्य की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी का समीकरण सत्ता का संयोग बना रहा है। मतलब साफ है कि एकनाथ शिंदे ने भले ही उद्धव ठाकरे के हाथों से सरकार और पार्टी दोनों ही छीन ली हों, लेकिन उन पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ अजीत गुट का दावा तो दूसरी तरफ 16 विधायकों की अयोग्यता आने वाला फैसला शिंदे खेमे की टेंशन बढ़ा रहा है। जी हां, महाराष्ट्र के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों को सदस्यता पर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर से फैसला लेने के लिए कहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि स्पीकर जल्द ही फैसला लेंगे। ऐसे में स्पीकर शिवसेना विधायकों को अयोग्य घोषित कर देते हैं तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। ऐसी स्थिति में शिंदे सरकार भंग हो जाएगी, लेकिन बीजेपी अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बना लेगी। ऐसे में देखना होगा कि सीएम की कुर्सी पर अजित पवार बैठेंगे या फिर बीजेपी का कोई दूसरा नेता। लेकिन ये तो तय है कि शिंदे के हाथों से दोनों तरफ से सत्ता की डोर सरकती दिख रही है, चाहे वो अजित खेमे का दावा हो या फिर 16 विधायकों की अयोग्यता का फैसला। खैर, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें।